आपको स्वागत करता हूँ फिर से नए ब्लॉग में। इधर से ज़्यादा दूर नहीं, मैं आ ही गया हूँ, लेकिन उस दिन भी आया था लेकिन उस दिन नहीं हो पाया वीडियो, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड कॉरप्ट हो गया, इसलिए फिर से आना पड़ा। सामने है इसलिए फिर आ पाया, नहीं तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, दिखाता हूँ पीछे का कैमरा करके आपको, ऐसा है नज़ारा इधर का। देखिए सुपारी का पेड़ है इधर, रोड ये अलीपुर जाने वाली रोड है, अलीपुर का आगे नहीं, इधर से जाने से निम्ति मिलेगी आपको, उसके बाद अलीपुर द्वार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इधर से देखिए नज़र, जो जगह है टुडुंगखुड़ी बस्ती है, टुडुंगखुड़ी जो नाम है वो है ओड़ा भाषा में, इधर का आदमी कहा था। मैं सामने से दिखाता हूँ आपको, टुडुंगखुड़ी फॉरेस्ट बस्ती है। मैं इस गली से जाऊंगा तो टुडुंगखुड़ी बस्ती मिलेगी मुझे। इधर देखिए कंक्रीट का रोड है और इधर मूली का खेती है, इधर और इधर बांस का पेड़ है, और इधर छोटी सी नदी देख सकते हैं आप। देखिए एक बच्चा है उधर खेल रहे हैं। इस सुपारी का बेरा लगा है इधर। देखिए इधर छोटी छोटी घर है, छोटा छोटा घर। उस दिन आया था लेकिन उस दिन बहुत अच्छा वीडियो बना था मेरा, उस दिन पीकॉक भी देखा था, लेकिन क्या करूँ मेमोरी कार्ड क्रॉप हो गया इसलिए नहीं कर पाया कुछ। अभी ये फिर से आ गया, आज भी देखता हूँ मिलता है कि नहीं। इधर खेत है, चावल का खेती होता है इधर, और इधर है बांस का झाड़ देख सकते हैं, बम्बू का पेड़, और इधर भी खेत है, इधर गाय बकरियां देख सकते हैं आप। बाबू कहाँ है? बाबू शर्मा गया, नहीं कहाँ, इधर टुडुंगखुड़ी का फॉरेस्ट नहीं है, इस साइड है दाएं तरफ, आप आने से ही रास्ता से आना पड़ेगा आपको, वो तो दूसरी ओर जाती है।
इधर सरसों का खेत है, देखिए सरसों का खेत इधर। अभी आ गए हमें फॉरेस्ट के सामने, इधर देखिए फॉरेस्ट है, इधर सिस्टर हो जाती फॉरेस्ट और इस साइड है खेत। इधर आपको एक चीज दिखाता हूँ, सामने जाके देखिए, इधर आप भी समझ सकते हैं, इधर हाथी हाथी आती है, इधर देखिए, इधर गांव में भी चली आती है, इधर देखिए हाथी का पोटी इधर है और उधर भी है। ये पुराना घर जैसे बनाया था ऊपर चढ़ने के लिए, जब ये बनाते हैं हाथी आने से देखने के लिए ऊपर से पता चलता है कि हाथी आ रही कि नहीं, इसलिए ऐसे बना था। फॉरेस्ट के सामने हर जगह ऐसे देखने को मिलेगी इधर हमारे इधर। उधर की पाखी उधर देखिए क्या पंछी दिखाई दिया था, पीकॉक जैसा है, इसका नाम है हुप्पे बर्ड, एक भाई ने कहा, मुझे तो उतना पता नहीं है, हुप्पे बर्ड दो है उधर देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा इस कैमरे में, जूम करके दिखाना था, मोबाइल नहीं ले गया नहीं तो जूम हो जाता, लेकिन ये कैमरे से कर रहा हूँ, एक्शन कैमरे में जूम उतना नहीं होता है। इधर नींबू का पेड़ भी है बहुत अंदर अंदर, ये देखिए नींबू का पेड़ है, अभी तो नींबू नहीं मिलेगी, अभी सीजन भी नहीं है नींबू का, इसलिए इधर देख सकते हैं फूल फूल देख सकते हैं, इधर इधर अंदर दिखाता हूँ मैं। और भाटपाड़ा कहते हैं हमारे बंगला में इसको, एक जगह का नाम इसलिए भाटपाड़ा भी हो गया, उधर भाट का पेड़ ज्यादा है इसलिए। और बंगाली में मोहन चूड़ा कहती है हमारे बंगला में, वो पंछी का नाम, ये नींबू का नहीं है, वो पंछी का नाम, मैं मुझे उतना पता नहीं है इसलिए ये भाई ने बताया। इधर एक सामने नदी है, आपको दिखाता हूँ नदी, नदी बहुत ही अच्छा है, इधर बारिश के टाइम में बहुत ही अच्छी दिखती है नज़ारा, तो क्या बोले दोस्तों वो नज़ारा, इस टाइम वो वैसे नहीं मिलेगी क्योंकि ये आप भी जानते हैं सर्दी के मौसम में सब सूख जाते, उतना अच्छा नहीं दिखता है। उधर इधर उस टाइम इधर से जाना बहुत ही मौत में से, इधर कीचड़ कीचड़ हो जाते। एक बार आया था अगस्त महीने में, मैं तो अगस्त में नहीं था, सितंबर का आया था, उस टाइम बहुत ही कीचड़ था इधर। इधर जाके दिखा दो क्या है इधर, इधर भी नदी है, ये जगह का नाम टुडुंग खुड़ी है। टुडुंग खुड़ी हमारे बंगला में नहीं कही जाती है, वो उधर का ओराव जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है उन लोगों के भाषा में, कोई कोई एक दुकानदार कहा था कि वो ओड़ा भाषा में होगा नाम टुडुंग खुड़ी, ये गांव बोलने से ज़्यादा हो जाएगा, ये गांव नहीं है बस्ती है, उतना घर नहीं है, 5-6 ही घर है इधर। इधर देखिए जगह कैसे पेड़ गिर गया, इधर बारिश के टाइम में बहुत ही पानी हो जाती है, इधर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इधर देखिए नदी,
मैं उधर जाने का कोशिश कर रहा हूँ, कीचड़ है बहुत, और ऊपर से जाऊंगा। क्या मैंने कोई इधर रख देते हैं, इधर जाना बहुत मुश्किल है, कीचड़ है। मैं पीछे से उधर से जाने का कोशिश करूंगा। फॉरेस्ट के अंदर ही आ गया। हम्म,